दीपावली पर्व से पूर्व बाजारों में कहीं रौनक तो कहीं दुकानदार खाली बैठे नजर आए। ये महंगाई का असर था जहां ग्राहकों ने दुकानों से चुन चुन कर सामान खरीदा। क्या कुछ नजारा था, देखिए आप हमारे साथ। आज हम दीपावली के मौके पर शहर के पूरे इलाकों में ले जा रहे हैं। शहर में किस प्रकार से दीपावली पर्व को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, कैसी बिक्री है, ये सब चीज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपावली का त्यौहार हो, खील बताशों और खिलौनों का जिक्र ना हो तो ये त्यौहार बिल्कुल फीका सा पड़ जाता है। जिस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ, ये बताशे भी हैं, खिलौने भी हैं और खील भी है। इनके बिना लक्ष्मी गणेश जी की पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, क्योंकि खील बताशे और खिलौने ना हो तो पूजा पूरी नहीं कहलाती। बताशे तो यहाँ तक कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी पर्व हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, वहाँ बांटे जाते हैं, लेकिन खील बताशे और खिलौनों का जो मौसम आता है वो दीपावली पर ही आता है। क्या कुछ रेट है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है महंगाई मंडी से ही महंगा आ रहा है। मंडी में 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो मंडी से आ रहा है। अच्छा, और पूरी जाम बेच रहे हैं 100 रुपये, 90 रुपये किलो। क्या कहें, खर्चा भी आता है खूब, 80 रुपये किलो बैठे पड़ता है। क्या कहें, और फिर खर्चा भी खूब होता है इसमें। अच्छा, पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार भीड़ नजर नहीं आ रही। अब भीड़ नजर कहाँ से आई, महंगाई इतनी है, भीड़ कहाँ से नजर आई। मध्य हो तो भीड़ भाड़ हो, मध्य ही नहीं है। ग्राहक पहले किलो दो किलो लेता था, अब लेता 250 ग्राम, 100 ग्राम, इतनी गुजारा करता है, क्या करे यार। महंगाई पूजा के लायक बस। पहले लोग इसे खाते भी थे बड़े चाप से, 5-5 किलो ले आते थे, 10 किलो गाँव के लोग आते, अब कहाँ आते हैं गाँव के लोग। शहर का था वो 10 रुपये का, 20 रुपये का लेता है, इससे ज़्यादा लेता नहीं है। महंगाई कटे, महंगाई की बहुत महंगाई है। लेकिन अभी 3 दिन शेष हैं दीपावली को, उम्मीद की जा रही है, मन में ये बात तो होगी कि ग्राहक और अभी संख्या बढ़ेगी। अभी तो इस टाइम कुछ नहीं कह सकते, क्या कहें, महंगाई की वजह से मतलब होता तो ग्राहक निकलता लेता करता है, महंगाई की वजह से कुछ नहीं कह सकते। पिछली बार की अपेक्षा कितनी बिक्री हुई, परसेंटेज कितना है बिक्री का? बिकने का 100 रुपये किलो तो बिकना चाहिए। नहीं, पहले कितना? पहले अस्सी बिकता था, भीड़ भी ग्राहक भीड़ भी 80 रुपये किलो ले आता था, किलो आधी किलो। अब तो वो 250 ग्राम, 200 ग्राम बस। पूरा लाइक बिल्कुल सही बात है। महंगाई की मार छप पर पड़ी है, ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार केवल खिलौने खील बताशे पर भी आई हो, महंगाई की मार इन पर भी आई है। जहाँ थोक के हैं वहाँ तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है बताइए आप, बिक्री बना कैसी हो रही है? सही हो रही है बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या रेट चल रहे हैं? रेट तो अभी तो कुछ कल ही मालूम पड़ेगा क्या रेट चल रहे हैं। तो हाँ, अभी तो दुकान लगी हुई है, अभी सजाई रहे दुकान, मालूम पड़ेगा अभी। हाँ, कल से चालू होगा, कल से। हाँ, ग्राहकों को तो आना चालू हो गया आपका। हाँ जी, हाँ, इतनी संख्या में नहीं है, संख्या बढ़ेगी कल बढ़ेगी आपकी संख्या। जो फुटकर व्यापारी हैं, आस लगाए हुए हैं कि ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ साजो सामान है, सज्जा का सामान है, घर को सजाने का, घर के अंदर डेकोरेशन का। क्या कुछ रेट चल रहा है? क्या कुछ रेट चल रहा है यहाँ पर? 70 के रेट चल रहे हैं, आप देख लीजिए। ये 40 की है, ये 40 की एक है, ये 40 रुपए की वाली है, ये 25 की है, ये 20 की है। जी, अभी तो मद्दा चल रहा है, पर ठीक है, कल से अभी बाजार चालू है। थोड़ा इन चीज़ों पर भी, साज सज्जा के सामान पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। और भी सारे नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि दुकानें सजी पड़ी हैं, चाहे वो परचून की दुकान हो। परचून की दुकान है तो गोला और खील बताशे और खिलौने, ये चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं जो दिखाएंगे। लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। यहाँ कुछ ख़रीदारी करी है आप लोगों ने? क्या कुछ ख़रीदारी की है आप लोगों ने? अभी तो हम लोग पर्दे वगैरह लेने आए थे और कपड़े वगैरह लेने आए थे, मार्केटिंग करने आने। महंगाई का कोई असर हुआ है, कुछ महंगे हुए? अभी तो मैं कुछ ली नहीं हूँ, लूंगी तो पता चलेगा। हाँ, महंगाई काफ़ी अधिक हो रही है। हाँ, बहुत अधिक ऐसा लग रहा है ना, महंगाई तो और जो ये ज़्यादा हो चुकी है अब तो। क्या लगता है, दीपावली में पटाखे छूटेंगे? नहीं, पटाखे तो छूटेंगे। हाँ हाँ, कितने भी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल चलाना तो है ही उसका, क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोगों की मजबूरी है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों में लोड बढ़ जाता है और लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं तो अपनी गाड़ियों को ऐसे ही खड़ी कर जाते हैं और इससे यातायात बाधित होता है। हालांकि यातायात विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि बाज़ार में उमड़ने वाली भीड़ और बढ़ने वाली वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए और यातायात को सुचारू रखने के लिए
उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग अपनी आदतों से बाहर नहीं आते और अव्यवस्थित रूप से देखिए आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ खड़ी खड़ी करके वो खरीदारी करने में लग गए। अब हम बात करेंगे होली गेट पर छोटे छोटे दुकानदारों की, जो फुटपाथ के दुकानदार हैं वो भी बेचारा अपने सामान लेने बैठे हुए हैं। माता जी बैठी हुई हैं, क्या नाम है माता जी आपका? उमा। अच्छा, क्या कुछ बिक्री हुई कि नहीं हुई? अभी तो भाई नहीं है। अभी नहीं हुई? तीस। महंगे आइटम हो गए इस वजह से नहीं हुई क्या? नहीं, महंगे नहीं, मैं 10-10 रुपए की बेच रही, 5-5 10-10। 5-5 10-10 रुपए के, क्योंकि ग्राहकों की संख्या नहीं है। नहीं, क्यों, ऐसे कैसे काम चलेगा? 15 रुपए की बिकी है। 15 रुपए की? नहीं, 30 रुपए की। अच्छा, यानी जो दुकानों पर जो मिल रहे हैं उससे कम रेट में बेच रही है, उसके बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, महंगाई की मार हर एक पर है। देखिए आप किस प्रकार से जो है अपने फुटपाथ पर लगाए हुए हैं, फुर्सत के क्षण मिले ग्राहक नहीं आए तो खाना खाने बैठ गए हैं और खाना खाने के बाद फिर बैठ जाएंगे अपनी दुकान पर इस आस से कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी। देख और भी नज़ारे हम आपको दिखाएंगे इस होली गेट पर। होली गेट का नहीं नज़ारा है, देखिए वहाँ आप देखिए, बिल्कुल मैं अपने साथी से कहूँगा यहाँ जरा हमारे साथ चले, वहाँ जो पूजा की सामग्री से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पर वो हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ कुछ क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है। बिल्कुल आपने ये सब सजा रखे हैं यहाँ पर पूजा के काम में आएंगे? हाँ जी, पूजा के काम, दीपावली के पूजन पे काम आते हैं। पूजा का आइटम उन्हीं के चुन्नी है, आसन है और ये गमछे वगैरह हैं। अच्छा, लेकिन देख रहे हैं ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है। हाँ जी, इस साल कम है, बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कम है। कोरोना की वजह से महंगाई जो बढ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल हम पूरे बाजार का नज़ारा है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी हुई है लेकिन त्यौहार तो किसी न किसी तरीके से मनाना ही है सभी को। व्यवस्था आप ये भी देख लीजिए, यातायात व्यवस्था अक्सर जब त्यौहार करीब आता है कोई भी मथुरा में खासकर, तो ये यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी जाती है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर यातायात पुलिसकर्मी लगे हुए हैं लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। हर व्यक्ति को बाजार में खरीदारी करने की जरूरत लग रही है, जल्दीबाजी लग रही है और हर व्यक्ति जो है जल्दी से जल्द निकलना चाहता है, हर एक को जल्दी है। ये होली गेट का नज़ारा है जहाँ यातायात व्यवस्था चरमरा रही है, लोग अपनी मर्जी से देखिए आप किस प्रकार से जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहीं से निकलता चला जा रहा है। हालांकि हमारी एसपी ट्रैफिक से बात हुई थी चुनाव इनके त्यौहारों को लेकर के, आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ यातायात अव्यवस्थित हो गया है। रुई के दुकानदार हैं आप, रुई बेच रहे हैं? क्या भाव चल रही है? 180। 180 पहले कितनी थी? पहला पता नहीं ऐसी होगी, 120 थी, 180 महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है, दीपक और सकोरे, दीपक का जिक्र ना हो तो दीपावली तो पूरी तरीके से अधूरी लगती है। क्या कुछ रेट चल रहा है दीपक का ये बताइए, छोटे दीपक कैसे रेट दिए हैं? 50 रुपए के सौ। और ये वाले? 80 रुपए के सौ। और ये? 60 रुपए के सौ। 60 रुपए को। बड़े दीपक? बड़े दीपक 5 रुपए का, 10 रुपए का एक एक। अच्छा, पहले ये देखते थे छोटे दीपक नहीं आते थे, बड़े दीपक आते थे? नहीं जी, सब दीपक वही ऐसे ही आते जैसे आते थे पहले। महंगे नहीं हुए? हाँ, कुछ महंगे तो हुए लेकिन क्या, जब माल नहीं बनेगा, बारिश पड़ जाएगी तो माल नहीं बनेगा तो महंगा तो अपने आप ही होगा। मार्केट में जब माल नहीं होगा तो क्या होगा? आजकल मिट्टी भी नहीं मिल रही है। मिट्टी तो मिट्टी की समस्या कर सबसे ज्यादा ही है। अब क्या करे आदमी, तो खाली पूर्ति करी जा रही है, ग्राहकों की पूर्ति करी जा रही है। अगर नहीं होगा माल तो फिर जो दिवाली का त्यौहार कैसे बनाएगा? जब दीपक नहीं होगा तो त्यौहार कैसे बनाएगा इंसान? आप बताइए। अभी तो कोई मतलब ग्राहक ऐसी नहीं है खास के, अभी देखो समय बताता है। और फिर दिवाली में ये देखो क्या कर दी, अभी दो चार दिन बाकी है। अभी दो दिन बाकी हैं, हाँ दो दिन बाकी हैं अभी, क्यों छोटी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली और धनतेरस, तीन दिन होते हैं। अब कल का देखो, कल का एक तारीख है, लेकिन एक तारीख को बाजार तो देखो जो बोलेगा वो बोलेगा, लेकिन कह नहीं सकते, कोई पता नहीं। केशव देव गोला गोला है ये मिट्टी का जो कारोबार करते हैं, मिट्टी का मतलब बर्तन बनाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे एक बाजार का नज़ारा जहाँ दीपक भी बिक रहे हैं, हर चीज़ बिक रही है लेकिन हर चीज़ पर महंगाई की मार है, लेकिन फिर भी दीपावली का त्यौहार है, बच्चों का त्यौहार है, युवाओं का त्यौहार है और बड़े बुजुर्गों का भी त्यौहार है। हर वर्ग का लोग इसको दीपावली को मनाएंगे अपने अनुसार, किसी के पास मिट्टी के दिए होंगे नहीं होंगे लेकिन दीपावली फिर भी मनेगी, चाहे मोमबत्ती जलाई जाए। तो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे अपने शहर के हृदय स्थल होली गेट का, क्योंकि ये शहर का मुख्य चौराहा कहलाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। मैं अपने साथ ही रिंकू वर्मा के साथ हेमंत शर्मा,
जी 90 के लिए।